अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर ली होंगी छुट्टियाँ। अब पढ़ाई की तरफ आएँ, अपना ये पेज नंबर 2 खोलें, वहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन मार्क हुई हुई है। मार्क आप लोग जिनके नहीं हुए वो कर लें। वहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्या कहा हुआ है कि एक अननोन वेरिएबल की क्वान्टिटी को जब हम लोग उसको स्क्वायर टर्म में लें तो हमारे पास उस इक्वेशन को जब हम कहेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, आगे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, ये यहाँ पे अननोन वेरिएबल जो है, जो भी मैं ऊपर आपको बता रही थी कि कोई अननोन वेरिएबल को हम लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, तो वो अननोन यहाँ पे एक्सिस हैं। ए बी और सी आपको पता है, ए और बी कोफिशेंट और ये कॉन्स्टेंट है। ये आपने 9th क्लास में बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा बता रही हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ आ रही है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में हम लोगों ने जो काम करना है, अगर यहाँ पे ये सिंपल एक्स होता या ये ए ज़ीरो हो जाता, जब ए ज़ीरो होता तो एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी ए को कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं करना। तो ये इतना ज़ीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर बनेगी। लीनियर वो होती है जिसकी पावर वेरिएबल की 1 हो, जो आपने लीनियर इक्वेशन 7th चैप्टर में पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है, तो वहाँ पर आपने सिर्फ एक्स की पावर 1 ली थी। अब एक्स की पावर 2 में काम करना है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारे पास ये ज़ीरो हो जाए बी, ठीक है, अगर बी ज़ीरो के इक्वल हो तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके भी मैंने आपको अंडरलाइन करके, तो ये भी मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अब आप मूव करें 1.1 पे, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको इस फॉर्मेशन में चेंज करना है, इसको एक्स की वैल्यू को सॉल्व नहीं करना। उन्होंने बस इतना कहा है राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आगे आपने बताना है कि स्टैंडर्ड है या प्योर फॉर्म है, बस इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। छोटा सा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया है, ताकि इसको देख के आप ये ना समझेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे वैसे, बाकी सारे सवाल भी आसान ही है, इसको समझेंगे तो बाकी भी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ओवर की फॉर्म में हुआ है, ओवर की फॉर्म में तो हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम में तो ये हम लोग डिनोमिनेटर्स वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उधर वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई हुए हुए हैं तो ये डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये और ये कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा, एक्स प्लस 3। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ ऊपर जो आएगा वो आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब सेम केस विद दिस, ये मैंने प्लस का साइन उतार लिया। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, जो बच रहा है वो हमारे पास एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक। ये अब हमने इसको इसका स्क्वायर खोलना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। कैसे, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ किया तो 3x, इसके साथ किया तो x, और ये 3 1 3 आ गया, ठीक है। अब वो बच्चों वाले काम थोड़े से छोड़ दें, सीनियर मोस्ट क्लास में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आप काम करते थे, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का ए स्क्वायर वाली पार्ट एक्स स्क्वायर, अब ये इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये 2ab है तो 2 × 2 4x, ठीक है, प्लस 4x आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 25/12, ये वाली फॉर्म आ गई। अब मैंने क्या करना है, इनके स्क्वायर टर्म्स को आपस में जोड़ लेना, ये और ये मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। अब हम लोगों ने 3x है और ये भी x है, क्या बना, 4x, और यहाँ पे ये 4x, मिलके क्या बन जाएगा, 8x। आगे जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है वो क्या है, 3 + 1 4 7, ये चीज़ आ गई। अब इधर भी मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, x को आपस में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 3x, फिर 2x, फिर 3 × 2 = 6 इज इक्वल्स टू 25/12। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, यानी ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 12 × 2x + 8x + 7 =
इसको साथ ही मैं लिख रही हूँ सिंपलीफाई करके, ये दोनों आपस में मिलके 5x बनाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये चीज़ आ गई है। अब ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर था ये, ये क्या बनेगा 24x स्क्वायर, 12 एट्स आ 96, एक्स प्लस 12 सेवन जा 24, ये 25 वन जा 25 ही आएगा, और 25 फाइव जा मेरा 11 टू 5 है, ये टू प्लस 5 1 टू 5 है, प्लस 25 सिक्स आ 150, ये चीज़ आ गई, ठीक। अब बड़े वाले के पास चले जाते हैं क्योंकि 24x के छोटा है, तो यहाँ पे जीरो के इक्वल, तो वो मैं इसी तरह से इक्वल टू जीरो उधर कर लूँगी, तो 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, यानी ये जब उधर चला जाएगा तो साइंस ये वाले सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारे पास 125x था, 125x माइनस 96x, अब यहाँ पे ये 150 पॉजिटिव है, प्लस 150 माइनस 84, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो आप इक्वल इधर लिखें या इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने इस वजह से इधर लिख लिया। अब आगे हम देखेंगे तो 25 में से 24 माइनस करेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे भी ये 25 में से 125 में से 96 को मैंने माइनस करना है, 29। अब यहाँ पे फिर साइन बढ़ेगा, 150 में से 84 माइनस करेंगे, देखिएगा आप ज़रा ए एक्स के, ए यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है, प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये हमारे पास क्या आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गर्ल्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अभी हम लोग इतना ही करेंगे, कल से इंशाल्लाह हम लोग अपना काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। अगला फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, हो सके तो ठीक है वरना मैं खुद ही वो करवाऊँगी, कोई एक पार्ट करवा दूँगी ताकि बाकी आप कर लेना। ये वाला मैंने लेंथ ही करवा दिया, बाकी सारे आसान सवाल हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।